From the calcium carbide, you can prepare only one alkyne, that is first ethyne. ठीक है, एक कैल्शियम कार्बाइड इसके अंदर वो डाल दो वाटर, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर डाल दो वाटर, यू विल गेट ओनली फर्स्ट एल्काइन. कौन सी है? इथाइन. दो कार्बन है ना इसके पास, ओनली टू कार्बन आर देयर, तो ये टू कार्बन वाली एल्काइन बन जाएगी, दैट इज इथाइन. ठीक है, और ये कैल्शियम जो है वो हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगी. कैल्शियम क्या बनेगी? हाइड्रोक्साइड. इसका कॉमन नेम क्या है? 23. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन? एसिटाइलीन. एसिटाइलीन. Do you remember you have prepared alkene from dehydrohalogenation reaction in which you have reacted alkene with alcoholic KOH? You remember dehydrohalogenation reaction? Yaad hai aapko? Write down dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. सेकेंड प्रिपरेशन में लिखो, जिसको बेटे एल्कीन समझ आ गया ना, एल्काइन उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. इसकी प्रिपरेशन भी मोर और लेस सिमिलर है, एक दो को छोड़ के इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वही मार्कोनी कोफुल सब सिमिलर आता है. ठीक है, मोर और लेस इट इज अ सिमिलर. जब आपने एल्कीन और एल्काइन पढ़ना है, एल्केन इज टोटली डिफरेंट, वो आप अलग पढ़ोगे. ठीक है, जब आप एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का वे होता है कि दोनों का एक टेबल बनाते हैं, दोनों की प्रिपरेशन का, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज का साइड बाय साइड. समझ आ रही है? स्टैंड अप. डीहाइड्रो मतलब हमने क्या क्या बाहर निकाल लें? हाइड्रोजन, और साथ में क्या बाहर निकालोगे? हैलोजनेशन, हैलोजन ग्रुप. अगर आपको याद हो तो यू हैव टेकन दिस, आपने भी ये नहीं बनाना, आपने ये वाला नहीं बनाना. अगर एल्कोहलिक KOH लो बेटे, तो आपने क्या सीखा था यहां से, कि यहां से H निकलता है, OH आएगा, H पॉजिटिव लेके जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनती थी? एल्कीन. किया था एल्कीन बनती थी. अब मैंने क्या किया बेटे, अब आपने दोनों तरफ BR लगा दिया. ठीक है, पहले यहां से H निकला, मान लो यहां से 2 moles ऑफ एल्कोहल के हुए चाहेंगे. ठीक है, अब यहां से भी H निकल जाएगा और ये वाला H में अंदर करूं, यहां से भी H. तो अगर ये निकल गया तो यहां पे पहले तो एक डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, फिर ये निकलेगा, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, सॉरी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. एल्कीन में आप एक BR शो करते हो, अब दोनों तरफ BR होगा, पहले एक तरफ से H निकलेगा वो बॉन्ड देखे जाएगा, फिर दूसरी तरफ से H निकलेगा और वो बॉन्ड देखे जाएगा. समझ आई आपको क्या हुआ? कि आपने दो BR दिखाए, तो पहले ये वाला मान लो H निकला, ये वाला, तो ये वाला BR बाहर आएगा, फिर ये वाला H निकला तो ये वाला BR बाहर आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. समझ आ रही है? तो वही रिएक्शन है सेम, उसमें आपने एक BR निकाला था और एक H निकाला था, यहां पे हम दो BR निकालेंगे, दो H निकालेंगे, तो 2 moles ऑफ एल्कोहलिक KOH लोगे. गॉट द पॉइंट कि नहीं?
ठीक है, अगर जैसे सी एच, ये है सिंगल बॉन्ड, ये सी एच है, ये बी आर है, ये बी आर है और ये एच है, ठीक है, ओ एच नेगेटिव आया, ये एच को लेके गया, ये बॉन्ड यहाँ गया तो इधर से ये निकलेगा, ठीक है, फिर ओ एच नेगेटिव आया, ये लेके गया, ये यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा और इधर से क्या निकल जाएगा, तो कितने बॉन्ड बन गए अंदर, ट्रिपल, और आपके पास क्या बन गई, इथाइन। जैसे बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एच एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकला है, ओ एच बेस आ रहा है, बेस तो एच प्लस ही लेके जाएगा, नहीं बी आर नहीं निकला और एच बी आर तो बी आर के निकला, फिर नेक्स्ट स्टेप में निकल तो रहे बेटे, बी आर के पास ओ एच तो नहीं आ सकता, नेगेटिव के पास नेगेटिव आएगा तो रिपल्शन होगी, तो जो बी आर के पास जो एच है उसके पास इतनी जल्दी नहीं आ सकता, पहले तो रिपल्शन होगी, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इससे ही खींचेगा, नेगेटिव नेगेटिव को कैसे अटैक करे, नेगेटिव ने पॉजिटिव को जाके अटैक करना, ठीक है, अब आपके पास क्या बन गई, इथाइन, तो क्या बन गई, इथाइन मींस आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर और 2 मोल्स ऑफ KBr होना, ठीक है, ओके, ट्वेंटी 2 चिराग। अब नेक्स्ट लिखो बेटे, अगर आपके पास 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन हो तो क्या आंसर निकालोगे, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बनाओ जरा, तो कौन सी इथाइन बनेगी, इथाइन कह रही हूँ बेटे, एल्काइन बनेगी, यू हैव 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, वन टू डाई ब्रोमो प्रोपेन से की डी हाइड्रो हेलोजनेशन करवाओ, हम जितने मर्जी मोल्स ऑफ कोच डाल सकते हैं। 2 मोल दिए, 2 निकालने आपने, हाँ प्रोपाइन बन जाएगी, ठीक है, तो आपका बी आर दोनों निकल जाएगा और यू विल गेट प्रोपाइन, ठीक है, तो यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड हियर एंड गेटिंग प्रोपाइन, हाँ जी, एक इधर एच अटैक किया तो एक बॉन्ड इधर आ गया तो बी आर निकल गया, जब दूसरा ओएच है वो इधर आके अटैक करेगा तो एक बॉन्ड इधर आ गया, तब भी तो डबल बॉन्ड ही बना, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना, एक ऑक्सीजन तो क्या हो गया, दिमाग लगाया,
चलो बेटे नेक्स्ट ब्यूट नहीं लिखो 1,2-dichlorobutane से क्या बनाओगे 1,2-dichlorobutane से क्या बनाओगे इफ यू हैव नाउ 1,2-dichlorobutane बेटे एंड प्रोडक्ट्स याद भी नहीं करने होते आपको ये पता होना चाहिए किस रिएक्शन में क्या स्टार्टिंग है और क्या बन रहा है क्योंकि आपको हम कुछ मर्जी देंगे पेपर में ये नहीं कि मैंने 3 करवाए तो 3 ही पेपर में होंगे जैसे आपको पता है कि जब आपके पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव है तो आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो अगर आपके पास डाई हैलोजन से अगर एल्काइन बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व है आपको ये पता होना चाहिए हाँ बाई प्रोडक्ट यू शुड नो दैट बाई प्रोडक्ट ऑल्सो हाँ क्यों नहीं रिएक्शन पूरी होनी चाहिए आपके पास प्योर प्रोडक्ट थोड़ी ना बना वो डिपेंड है अगर देखो आपको एरो में पूछा गया तब तो आप छोड़ सकते हो कन्वर्जन्स में अगर पर्टिकुलर एक रिएक्शन पूछी गई है तब आपको सारा कुछ लिखना पड़ता है अगर जैसे एक से सेकंड जा रहे हो तो मेन मेन प्रोडक्ट लिखते जाओ मगर अगर पर्टिकुलर जैसे मैं स्वार्ट्स रिएक्शन बोल दूं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा समझ आई अगर अकेली कोई रिएक्शन पूछी गई है तब तो पूरा ही लिखोगे आप सो यू विल गेट ब्यूट 1-ion ठीक है अब इसके बाद आपने एक और रिएक्शन करी हुई है दैट इज डी हैलोजनेशन इफ यू रिमेम्बर थर्ड टाइप है डी हैलोजनेशन अब सिर्फ हैलोजन बाहर निकालना सिर्फ आपने क्या निकालना हैलोजन उसके लिए याद करो अगर हमारे पास 1,2-dibromoethane थी तो हमने जिंक के साथ ट्रीट किया था फिर रिमेम्बर तो जिंक Br2 निकल गया था एक बॉन्ड देखे गया था और एक ऐसे निकला था तो आपके पास क्या बनी थी इथीन क्या बनी थी इथीन अब आपने एक और एच हटा दिया इससे और यहाँ पे एक और Br ले आए और एक और Br ले ठीक है मींस अब क्या किया आपने 1,1,2,2 tetrabromoethane ले लिया समझ आ रही है मींस एक एक Br एक्स्ट्रा कर दिया अगर एक एक Br लगा होता तो आपको डबल बॉन्ड मिलता अब आपने 2 Br कर लिए तो अब आपको क्या मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड रिएजेंट वही है तभी मैंने आपको कहा कि पैरेलल स्टडी करना है दोनों को एक आधी रिएक्शन वेरिएशन आती है अदरवाइज बिल्कुल सेम आती है रिएक्शन ठीक है अब क्या होगा जैसे कि ये वैसे ये निकलेगा और ये वाला बॉन्ड देखे जाएगा तो बन गया ना ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे क्या लोगे आप नाउ 2 moles तो आपके पास क्या बन जाएगा इथाइन प्लस 2ZnBr2 वहां पे 1ZnBr2 बना था अब यहां पे 2 moles ऑफ ZnBr2 बनेंगे एक Br बॉन्ड लेके जाएगा तो एक बॉन्ड देखे जाएगा अगर ये बॉन्ड देखे गया है तो ये बॉन्ड लिखे गया तो ये Br2 ये भी Br2 निकल गया और आपके पास क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया वहां पे क्या बना था डबल बॉन्ड बना था क्योंकि वहां पे आपने डाई हैलोजन लिया था अब आपने टेट्रा ले लिया तो टेबल बनाना है आज घर जाके 4 दिन छुट्टी है मीन सैटरडे की भी पता नहीं हमें कल तो आना बेटे कल तो बेटे पेपर है प्लस टू का बोर्ड का प्री बोर्ड है स्कूल बेटे लगना ही है तो पेपर है तो स्कूल लगे कौन सा प्रैक्टिकल है आपका
लगेगा लगेगा लगेगा। चलो नेक्स्ट राइट डाउन, जैसे ये किया है, मान लो आपके पास 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन है, राइट डाउन 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ठीक है, अभी तक जितनी भी रिएक्शन करी सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड को छोड़ के, ये सिर्फ एक रिपीट रिएक्शन है, और ऑर्गेनी पे रिपीट पे क्वेश्चन नहीं आते। जो मेन इसकी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है, वो करने के लिए इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़ती है, और वो वाली प्रिपरेशन इतनी को ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि वो क्लास 12 तक चलती है। वो प्रिपरेशन तभी बेटे समझ आती है जब आप इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी करते हो। वो केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से सिर्फ एल्काइन ही शो करती है, सिर्फ एल्काइन, एसिडिक नेचर। ना हमने कभी एल्केन एसिडिक सुने हैं, ना हमने कभी एल्कीन रोल नंबर 13 किया हुआ था, ध्रुव क्या तो है, वही है अग्रवाल ही है, पहले भी अग्रवाल था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। देखो बेटे, ना एल्केन ना एल्कीन, इसको डिटेल में हम कल करेंगे, पहले सुन लो ध्यान से, ना एल्केन की, ना एल्कीन की, ना एल्काइन की, सॉरी एल्काइन की एसिडिक नेचर है। देखो एल्कीन और एल्काइन में फर्क, दोनों ही अनसैचुरेटेड है। अगर एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों ही अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, दोनों ही में ही आप मार्कोनी कॉफ रूल लगाओगे। जैसे हमने एल्कीन में मार्कोनी कॉफ रूल किया, वैसे एल्काइन में भी करोगे। जैसे एल्कीन में हमने HBr ऐड किया था, वैसे आप एल्काइन में भी करोगे। जैसे एल्कीन में हमने वाटर ऐड किया, वैसे एल्काइन में भी करेंगे। ठीक है, तो कल एक तो आपने टेबल स्टार्ट करके आना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, एल्कीन की एक साइड साई लिख के लेके आनी है, ये आपका होमवर्क है। तो एल्काइन की पैरेलल हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, अब सेकंड आ जाओ, सेकंड जो हमने करना है कि जो हमारी कोई शो नहीं करता वो एसिडिक नेचर। एसिडिक का वर्ड का मतलब क्या है, जब किसी चीज से एच एज एच पॉजिटिव निकले, मतलब एल्काइन से अगर मैं इथाइन लूं, बेसिकली इथाइन लूं, तो उसमें से जो एच है वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ना एल्कीन से निकल सकता है ना एल्केन से निकल सकता है। अब ऐसा ऐसा क्या होता है कि एल्काइन से ही एच पॉजिटिव बाहर निकलता है, ये नहीं कि एल्काइन से एल्काइन एसिड, कभी एल्काइन एज एसिड आपने सुनी भी नहीं होगी, है ना, एल्काइन डजंट हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज एज सच। वो एसिड बिहेव करेगी जब उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, मतलब उसमें से एच प्लस निकालना हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ता है, जैसे सोडामाइड इन लिक्विड अमोनियम। ठीक है, जो पर्टिकुलर रिएजेंट आप प्रोवाइड करते हो, दैट इज सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनियम। पेपर नीचे कर रहे हैं, कितने है सेकंड ईयर ब्रेक से खड़े होना दो।
ठीक है। अब इथाइन में से हम एच निकाल सकते हैं, कैसे? एच पॉजिटिव की फॉर्म में, रिएक्शन हम कल करेंगे। अब सुनो, मगर एच पॉजिटिव कोई वीक बेस तो लेके जा नहीं सकता। तो जब बेटे लिक्विड अमोनिया में आप सोडामाइड डालते हो, सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एच पॉजिटिव को मिल जाते हैं, आसानी से वो बाहर निकाल देते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है। ठीक, अब सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया एल्केन में से क्यों नहीं एच प्लस निकाल पाए, या एल्कीन में से क्यों नहीं निकाल पाए, क्वेश्चन था ये। अब बेटे एल्केन जो होती है उनकी कार्बन होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पता है आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चैप्टर 4th। हाँ ठीक है, मिथेन जैसे है तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, उसमें चारों के चारों बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, 2s2 2p2, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, चार अनपेयर्ड हो जाते हैं, चारों के चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करती हैं, तो ये बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब एल्कीन में आ जाओ, एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कल आपका होमवर्क ये भी है कि आप ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन तीनों की कैसे बनी देख के आओगे, क्योंकि ये पहले ही हो चुके हैं, आपने खुद देख के आनी है, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी है। ठीक है, एल्कीन में होती है बेटे sp2, एक अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, जो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है वही पाई बॉन्ड बनाता है, एल्कीन में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ठीक है, तो सिग्मा जो पाई बॉन्ड होता है वो कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं बनता, पाई बॉन्ड बनता ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, क्योंकि वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनना होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब हो जाता है एक छोटा हो जाता है, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, साइडवाइज ओवरलैपिंग हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में ही होती है। ठीक है, अब आ जाओ एल्काइन, एल्काइन होती है बेटे sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, मींस एक सिग्मा बॉन्ड है जो बीच वाला है, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, दो बॉन्ड बनाए हुए हैं ना सिग्मा, और दो पाई बॉन्ड है इसके पास, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक, तो एल्केन की क्या है sp3, एल्कीन की sp2, और एल्काइन की क्या होगी sp। अब अगर sp3 को देखो बेटे, sp में s करेक्टर है 25% और p करेक्टर है 75, अगर चार ऑर्बिटल है उसमें से, आप मैथ वाले बच्चे हो तो आपको पता ही है, तो अगर एक 25 है तो बाकी 75 100% से। अगर sp2 की बात करें तो s करेक्टर मान लो 33 कुछ हो जाएगा और 66 कुछ p करेक्टर हो जाएगा, अगर sp की बात करें तो 50-50 है ना, मींस सबसे ज्यादा s करेक्टर एल्काइन के पास है 50, एल्केन के पास तो है ही 25, एल्कीन के पास है 33 और सिर्फ एल्काइन के पास है 50% एस करेक्टर, है ना। अब सबसे ज्यादा एस करेक्टर एल्काइन के पास, और एस ऑर्बिटल की क्या खासियत होती है, वो नियरर टू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जितना ज्यादा एस करेक्टर किसी में होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा बांध के रख सकता है अपने पास, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियस के पास में पड़ा है। अगर एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो उसका सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें ज्यादा 50% वो नियरर टू न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बांध के रखने हैं, मतलब कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगी, जल्दी से नहीं देगी ना, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन की हुई है। अगर मैं इथाइन एज ए मॉलिक्यूल बनाती हूँ बेटे, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन की शो करते हैं, हाइड्रोजन तो 1s है, बात समझ आ रही है, हाइड्रोजन तो है ही 1s, हाइब्रिडाइजेशन कौन अंडर गया था, कार्बन, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या है, नियर टू न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के पास पड़े हैं, जो चीज न्यूक्लियस के पास पड़ी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो मींस वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकती है क्योंकि उसमें एस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि वो वाली कार्बन नियर टू न्यूक्लियस है तो वो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकती है। अब जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही होती है और हम एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं, वो हाइड्रोजन को कंपेल करती है एज एच पॉजिटिव निकलने के लिए, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के कार्बन को एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है जब स्ट्रॉन्ग बेस आता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि एल्काइन क्या है, एसिडिक इन नेचर। अब एल्कीन की बात करो, वो है ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसमें एस करेक्टर कम है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगी। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस दे भी देंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव नहीं लेके जा सकता। एच पॉजिटिव का मतलब है जो कार्बन पड़ी है वो भी तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करे, तो कहाँ कर लेगी, वो sp2 है। अगर एल्केन की बात करें, वो तो है ही sp3। समझ आ रही है, एल्केन है ही sp3 जिसमें 25% एस करेक्टर है, तो इट इज नॉट नियरर टू न्यूक्लियस। एज इट इज नॉट नियरर टू न्यूक्लियस, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पकड़ नहीं सकती। जब वो इलेक्ट्रॉन पकड़ ही नहीं सकती तो उसमें से हाइड्रोजन से कहां से खींचेगी, समझ आ रही है। तो कोई भी अगर बेस आएगा तो उससे एच पॉजिटिव, देखो मैंने पहले भी समझाया था बेटे, एक ही चीज बेस की तरह भी काम करती है, एक ही चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करती है। बेस और न्यूक्लियोफाइल में ये फर्क है, जब भी कोई चीज बेस की तरह काम करती है वो एच प्लस लेके जाएगी, लगेगी नहीं कभी भी मेन मॉलिक्यूल के साथ, कभी नहीं लगेगी। जब वो न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करती है, वो जाके वहां पे अटैक करती है कार्बन के ऊपर, वहां और वहां जाके लग ही जाती है। समझ आई कुछ बात। तो हम कल क्या देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइन जो है वो कौन सी नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर, क्योंकि इसमें कौन सा करैक्टर है, एस करैक्टर ज्यादा, कितना 50%। तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो क्या होगा, उससे क्या निकाल लेगा, एच पॉजिटिव। समझ आ रही है। अब जब हम एच पॉजिटिव निकाल के जो चीज बनाएंगे उसने आगे प्रिपरेशन करनी है।